नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग। चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए का निफ्टी का 11वां एनालिसिस। ये जो नेक्स्ट वीक है, जो कि लास्ट वीक है एक्सपायरी का, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपल्स वेव, जो ये लास्ट इंपल्स वेव शुरू हुआ था 9448 से, वहां से हमने अगले हमारे कुछ दो तीन वीडियो में भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे वेव वन और टू कंप्लीट हो गए हैं, थ्री भी कंप्लीट हो गया है। वेव फोर हमने बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में मेरे, कि एग्जैक्टली 38% रिट्रेस हुआ है, और वहां से वेव फाइव का प्रोजेक्शन भी हमने देखा था 9967 से लेके 10072 तक। जी हाँ, तो अब ये जो वेव फाइव यहाँ से जो शुरू हुआ है, उसके लिए एक्सपायरी वीक में यहाँ पे मेरे आज के वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस है वेव फाइव के पूरा होने के। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। एक जो है वो वेव फाइव एंडिंग डायगोनल के रूप में पूरा हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वेव फाइव जो है वो इम्पल्स वेव के रूप में पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे वेव फाइव एज एंडिंग डायगोनल। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेव फोर हमने लिया है एंडिंग उसका 9816 पर, यहाँ से एक वेव पूरा हो चुका है जो कि एबीसी के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, एंडिंग डायगोनल में जो पांचों वेव है वेव फाइव के, वो एबीसी के रूप में होते हैं 3-3-3-3-3। तो यहाँ पे वेव वन एक एबीसी, दूसरा एबीसी, और यहाँ पे ये जो आप डार्क लाइन जो देख रहे हैं वो मैंने इमेजिनरी बनाई है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसी तरह से निफ्टी का मूवमेंट हो, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया है, अंदाजा है, इसलिए मैंने ये इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेव थ्री, फिर वेव फोर और फिर वेव फाइव। यहाँ से ऐसे जिगजैग तरीके से वेव फाइव, अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो इस तरह से पूरा हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन वेव फाइव एज इम्पल्स वेव। यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, मैंने लिया है काउंट वेव वन टू थ्री फोर फाइव, ये वेव वन, वेव फाइव का वेव वन, और ये एबीसी वेव टू, और यहाँ से वेव थ्री स्टार्ट हो चुका है। वेव थ्री यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हम देखने को मिल सकता है, और वेव थ्री खत्म होने के बाद जो वेव फोर जो है वो वेव वन को टच नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इम्पल्स वेव जो है वो वेव फोर, वहां पे उसमें वेव फोर वेव वन को टच नहीं कर सकता रूट के हिसाब से, तो वेव फोर 9922 तक नहीं आ सकता, और वहां से वेव फाइव ऊपर। तो इस तरह से एक इम्पल्स वेव के हिसाब से वेव फाइव पूरा हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन है नेक्स्ट वीक के लिए। देखते रहेंगे हम किस तरह से वेव के मूवमेंट होते हैं आने वाले वीडियोस में, हम कंटिन्यूअसली उस पर ध्यान रखेंगे। और फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और बस यूं ही मिलते रहेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।